भतरवार से साखनी रोड 3,34,04,000 की लागत से स्वीकृत। भतरवार से साखनी रोड 3,34,04,000 की लागत से स्वीकृत हो गई है। इससे राहगीरों को आने जाने में अब समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे कई गांव वालों को अब राहत की सांस मिलेगी, साथ ही धूल मिट्टी जैसी कई समस्याओं से निजात मिलेगी। यहां आपको बता दें कि भतरवार विधानसभा साखनी क्षेत्र की जनता की बेहद मांग पर वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर के अथक प्रयासों से वरिष्ठ नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद मान विवेक नारायण शेजवलकर, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा भतरवार से साखनी रोड 3,34,04,000 की लागत से स्वीकृत की गई है। इस सड़क की स्वीकृति के बाद क्षेत्र की जनता ने बहुत बहुत बधाई दी है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जनसेवक मोहन सिंह राठौर ने बताया कि समस्या आपकी, संघर्ष हमारा रहेगा। भतरवार विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि सर्वविदित है, कई रोडों को के ऊपर हम लोगों ने काम किया है, लेकिन विगत एक वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि भतरवार से धूमेश्वर धाम जाने के लिए ये जो रास्ता है करीबन 9-10 किलोमीटर का, इसके बारे में ग्रामीण क्षेत्र के करीबन 50 गांव के लोगों ने एक ही मांग रखी कि इस रोड का बनना बहुत आवश्यक है। ये 4 साल पूर्व पहले बनी थी, लेकिन ये 5 साल की गारंटी होने के बाद भी ये रोड खराब हो गई। तब हमने इस रोड को बनाने के लिए हमने एक नया प्रस्ताव तैयार कराया और उस प्रस्ताव को हमारे सबके मुखिया माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय विवेक नारायण सेजवलकर जी के साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के हमारे जो महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं उनके सामने ये बात रखी। तो अब मुझे बड़ी खुशी है कि 3,75,00,000 रुपया इस रोड के लिए स्वीकृत हो गया है, स्वीकृति पत्र हमें प्राप्त हो गया है और जल्दी ही टेंडर लगने के बाद ये रोड बनेगी। इस रोड के बनने से हजारों श्रद्धालु जिनका धूमेश्वर धाम जाने के लिए जिनका बहुत परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वे भी अब सुख चैन से दर्शन कर पाएंगे और आवागमन का हमारा साधन जो तैयार हुआ है उसके लिए मैं पूरे वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जय भाजपा, विजय भाजपा।